समर्पणी सफलता। यदि आप भी करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब तो द्रोणा IAS एकेडमी। हमारा पता है लाल स्कूल के पास गायत्री मंदिर के सामने गोपालगंज सागर। नमस्कार, मैं तारिक हाशमी, आप देख रहे हैं सागर टीवी news.com। इस वक्त मेरे साथ में बैठे हुए हैं बर्थडे बॉय हीरा सिंह राजपूत जी। ये आज इनका जन्मदिन है और सागर से अगर एतराफ़ के और दूसरे दूर के लोगों जगह के लोग जब ये वीडियो को देख रहे होंगे तो मैं तारुफ इनका यूं कराता हूं कि ये मध्य प्रदेश शासन के बहुत कद्दावर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बड़े भाई भी हैं और उनके मैनेजर भी हैं, बड़े भाई भी हैं और ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं सागर ज़िले के। आज इनका बर्थडे, भैया ज़रा दिखाओ, ज़रा भीड़ भाड़ दिखाइए। आज अध्यक्ष जी का बर्थडे है और ज़बरदस्त तरीके से लोग आए हुए हैं। हालांकि हमने पहले, इससे पहले कभी नहीं देखी थी इतनी ज़बरदस्त भीड़, लेकिन ये सत्ता का ये जलवा यहाँ पे इस वक्त देखने को मिल रहा है कि सत्ता का जलवा है। और क्यों ना हो, जब शहर का ग्रामीण जिला अध्यक्ष का बर्थडे हो और फिर गोविंद राजपूत के भाई का बर्थडे हो तो इतनी भीड़ तो होनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है और जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं हीरा सिंह जी। धन्यवाद धन्यवाद। आज तो बहुत गजब का बर्थडे मन्ना साहब। नहीं देखिए, अगर सरकार का बर्थडे होता तो यहाँ कालीन बिछी होती, माइक लगे होते, स्टेज बने होते। हाँ। ये तो हमारे दिलों का मिलन है। अच्छा। हमारे जो आज सुबह से लगभग 2000 लोग आ चुके हैं और जब सरकार नहीं रही, विधायक नहीं रहे, तब भी इससे भीड़ कम नहीं रही हमारी। हमारी व्यक्तिगत संपर्क हर व्यक्ति से, व्यक्तिगत जी, और वो अपनी दुआएं कहो या शुभकामनाएं देने आते हैं ना, कोई हम विज्ञापन छपवाते, हमारे जो शुभचिंतक वो छपवा देते हैं। हाँ, हाँ। और अगर हम सरकार की आड़ में करते तो यहाँ तो 5 स्टार जैसी कालीन बिछी होती है। ये नहीं नहीं नहीं, नहीं यहाँ पे जरा सा नहीं, ये आपका कटाक्ष किसकी तरफ है कि आप कह रहे हो कि यहाँ पे बेहतरीन कालीन बिछी होती है और रेड कलर का, ये कौन किसकी तरफ है? मेरा मतलब ये कि बिल्कुल सादा तरीके से हम लोग मनाते हैं, चूंकि अब वो कई सालों से परंपरा चल रही है और अब परंपरा टूटती तो है नहीं। तो 21 जून है जो उस दिन मैं इस दुनिया में आया था, पैदा हुआ था जी, और लोगों की दुआएं काफ़ी साथ में रहीं। हाँ। और बड़ों का आशीर्वाद रहा, मित्रों का सहयोग रहा, तो एक अपने साथ ही सादगी तरीके से मनाते हैं। आज तो बिल्कुल सादगी नहीं है हीरा सिंह। हाँ, कैसी सादगी? हाँ, आज नहीं है। और मैं तो बताता हूँ कि मैंने अपना पूरा जीवन बेशहरों के लिए लगाया। अगर हम आपको बता दें, एक फिल्म देखी होगी आपने रोटी, बेशहरों का दोस्त और जालिमों का दुश्मन। हाँ। अच्छा एक बात है, ऐसे ही जब मैं चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान जब मैं गोविंद सिंह जी का, आपके जो छोटे भाई हैं मंत्री जी, उनका जब मैं इंटरव्यू कर रहा था, उनका था कि सुर्खी का हीरो तो मैं हूँ। आज आप मतलब फिल्मी स्टाइल है ना पूरी? नहीं ऐसा नहीं, देखिए मैं अपने भाई हूँ, हमारे दोस्त हूँ, हमारे परिवार के लोग, हमारी पार्टी के लोग हूँ, हम उनको अपना सगा भाई जैसा मानते हैं। और मैं एक ऐसा हूँ कि मैंने अपने भाई के लिए नौकरी तक छोड़ दी थी। मैं इंजीनियर था, 15 साल पहले मेरे बैच के सब सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जी। हमको तो ये था कि जन सेवा करना है, जन सेवा करने का एक बात माध्यम होता है राजनीति, और राजनीति में हमारी तो भगवान से दुआएं थी कभी पावर आए, और उस पावर का उपयोग हम मजबूर, और हर उस आदमी को जिसको आवश्यकता है पावर की, और मेरा सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक एक ही काम रहता, कोई दिखा और हमने फ़ोन लगाया। मगरूर हमारे पास आते नहीं हैं और मजबूरों के लिए हम दिन भर बैठे रहते हैं। आप तो मगरूर नहीं हैं, मगरूरियत आप में तो नहीं आई सरकार आने। मगरूर होते तो आपको हमारा चेहरा दिख जाता। ऐसा नाम वैसा काम, हीरा भैया है इनका नाम। हीरा भैया की ये बात ज़रूर कही जाती है कि वो मतलब बड़े सॉफ्ट किस्म के आदमी हैं और जब वो क्षेत्र में जाते हैं तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से भीड़ लगती है। लेकिन अब क्या 5 साल इसी तरीके का बर्थडे रहेगा? इससे ज़्यादा भीड़ लगेगी अब आने वाले 5-4 सालों में? मैं तो ये समझता हूँ कि हमारा जीवन किसी काम आ सके, दोस्त हों, यार हों, पार्टी के हों, मजबूर हों, खेत हों, खलिहान हों, और हम हर तरीके से अपने क्षेत्र को, जिले को खुशहाल बनाना चाहते हैं, हमारा प्रयास। अच्छा, खुशहाल बनाना चाहते हैं आप, ग्रामीण अध्यक्ष भी हैं सागर जिले के, बड़ा पद है आपके पास काफ़ी लंबे वक्त से। मैं दरअसल सवाल ये कर रहा हूँ कि जिस तरीके से सरकार में इस वक्त अधर में है कि जाएगी रुकेगी कब होगी, सरकार के दिमाग पे मतलब एक तरीके का वजन रखा हुआ है कि हम काम करें नहीं करें, रुकेंगे जाएंगे क्या, फिर इससे कैसे उभरेंगे सर? सरकार आप नोट कर लें, आज इन 5 साल नहीं, अगले 5 साल भी सरकार कांग्रेस की बनेगी। क्यों बनेगी? उसकी वजह समझ लीजिए। उसकी वजह ये है कि
आप भी गुणा भाग लगाइए कि जब चुनाव हुआ दो महीने सरकार में हमने केवल किसानों के कर्ज माफ में लगा दिए, हमारा पंचायत का सेक्रेटरी पंचायत कर्मी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक केवल एक काम करता रहा कि कर्ज माफी करना है। हमारे आदरणीय नेता कमलनाथ जी सिंधिया जी ने कहा था कि हम कर्ज माफ करेंगे और कर्ज माफ करने के लिए एक एक आदमी का फार्म भरा गया और 21 लाख किसानों के कर्ज माफ हो चुके हैं आज की स्थिति में। 3 महीना आचार संहिता लगी रही, लेकिन लाइट जाने वाला पानी फेर देता ना सर, उस पे पूरा पानी फेर दिया लाइट ने। नहीं फेरा, आचार संहिता लगने के कारण आगे किसान कर्ज माफ नहीं हो पाए। फिर भी हमने इतने कम वक्त में जो हमारी वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी, आप क्या समझ रहे हो, एक विधानसभा में 25,000 लोगों को मिल रही है, 300 मिलते थे। 15 साल में शिवराज सिंह चौहान ने 100 रुपये नहीं बढ़ाए, हमारे कमलनाथ जी ने 3 महीना में 300 बढ़ा दिए, 3 के 600 कर दिए। आप इतना काम कर रहे हो लेकिन मार्केटिंग नहीं है, वो मार्केटिंग कर रहा है भाजपा वाले के, बिजली जा रही है। बिजली बिल्कुल नहीं जा रही, कुछ थोड़े बहुत कलाकार लोग थे तो हमारी सरकार ने उनको एक्शन लिया, उनको सस्पेंड कर दिया, बर्खास्त कर दिया। अब देखो क्या है, बिजली कारण समझ लीजिए, 15 साल में 350 ट्रांसफर खरीदे गए, कोई प्री मानसून मेंटेनेंस नहीं हुई। क्या होता है, सरकार का नियम है एमपीबी का, प्री मानसून मेंटेनेंस चलती, बरसात आने पीली पूरा मेंटेनेंस होना चाहिए। तो जो क्वालिटी भ्रष्टाचार में की बलि चढ़ गई तो अच्छी क्वालिटी का सामान नहीं आया, प्री मानसून हुई नहीं, पोस्ट मानसून मेंटेनेंस हुई नहीं। देखो ये कहेंगे बहानेबाजी, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, जनता कह रही लाइट जा रही है जैसे दिग्विजय सिंह की सरकार में। नहीं नहीं जी, सब केवल थोड़ा सा हमारे प्रयास। इससे पार्टी को फायदा होगा कि नुकसान, आप एक लाइन बताइए। 100% हम बिजली गारंटी ले रहे हैं, बिजली की बिल आधे कर दी, हम 24 घंटा बिजली देंगे गाँव से लेकर शहर तक, आप निश्चिंत रहिए। आपको एक बार फिर से सागर टीवी न्यूज की जानिब से जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी आपके माध्यम से जो लोग देखें उन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि एक एक व्यक्ति का काम होगा जो हमारे कमलनाथ जी ने वादा किया है आपसे, एक कोई भी कमी हम छोड़ेंगे नहीं। वो सरकार हमारी अब ट्रांसफर हो जाने दो, कुछ लोग ऐसे जमे हैं 15 साल से, ट्रांसफर हो जाए, ट्रांसफर में तो खुद सर वो लगे भीड़ लगी हुई है मंत्रियों के, तो कागज देखो तो ट्रांसफर का आवेदन रहता है ना सर। तो 15 साल से नहीं हुए ट्रांसफर, लोग चाहते कि मास्टर हमारा बेटा घर आ जाए, पटवारी हमारा बेटा घर आए, सब नहीं आ पाए, कुछ तो आ जाएंगे। और मेन जो है कि जो की पोस्टों पे जमे बैठे हैं लोग उनको खिसका रहे, अभी जो अभी तक भाजपा के रंग में रंगे चड्डी पहने हैं उनकी, उन सबको हटा देंगे हम और नया तंत्र सामने आएगा जो जनता की सेवा करेगा। बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। हीरा सिंह राजपूत का जन्मदिन है, लगातार एक मेला लगा हुआ है उनके घर ऑफिस के सामने, घर के सामने तो नहीं बल्कि, एक बार फिर से ज़रा दिखा दीजिए इस मेले को कि जिस तरीके से सरकार आने के बाद क्या जलवा होता है एक मंत्री के भाई का और एक ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष का जलवा क्या होता है, ज़रा आप जलवा देख लीजिए। इस जलवे के साथ ही मैं आपको छोड़े जाता हूँ, इस पेशकश में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो सागर टीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और ये वीडियो आप हमारा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए सागर टीवी न्यूज़, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का ऑप्शन आता है थोड़ा उसको भी टनटनाइए ताकि हमारा और आपका रब्ता बना रहे, यानी हमारी तमाम खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। शुक्रिया। समर्पणी सफलता, यदि आप भी करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब तो आपके सपनों को साकार करती द्रोणा IAS अकेडमी, 12th के बाद सीधे MPPSC एवं UPSC की तैयारी, 1500 से अधिक चयन MPPSC, UPSC, IAS, SSC, MPSI, रेलवे कांस्टेबल, बैंक PO की तैयारी करें। अशोक राजपूत सर, अश्विनी सर, अरविंद लोधी सर के साथ अपने सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें द्रोणा IAS अकेडमी। हमारा पता है लाल स्कूल के पास गायत्री मंदिर के सामने, गोपालगंज सागर। हमारा नंबर है 9425404976।